अमित आपसे ये चीज समझ लेना चाहती हूँ, ये ऐसी तस्वीर आपने देखी, क्योंकि 6 तारीख वाली तस्वीरें भी लोगों ने नहीं देखी थी इससे पहले, जब आम आदमी पार्टी के नेता विधायक आपस में भिड़े और बीजेपी के आपस में भिड़े, लेकिन आज इतने भारी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती, ऐसी तस्वीर देखी क्या पहले? देखिए, इसको लेके कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि जिस दिन हाउस की प्रोसीडिंग होनी है और अंदर वोटिंग होनी है, तो उस तरह से खास करके एसएसबी के जवानों को जिस तरह से सिविक सेंटर के अंदर बुलाया गया, कॉम्प्लेक्स के अंदर बुलाया गया, उसको लेके कई सारे सवाल उठे। और फिलहाल हालांकि जो हाउस की प्रोसीडिंग चल रही है वहां पे एसएसबी के जवानों को डिप्लॉय नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको विजुअल्स भी साथ साथ में दिखाते जाता हूँ। आप देखिए, ठीक बाहर जो सिविक सेंटर है जहां हाउस लोकेटेड है वहां पे आपको बाहर एसएसबी के जवान दिखाई देंगे, यहां पे भी सुरक्षा में एसएसबी के जवान तैनात हैं दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ और रॉयड गियर के साथ, बकायदा रॉयड गियर के साथ आपको ये जवान दिखाई देंगे जो डिप्लॉयड हैं। तो इसकी वजह से कई सारे सवाल उठ रहे हैं इस वक्त और आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। और यहाँ एक और विजुअल आपको दिखाई देगा, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त नारेबाजी का दौर चल रहा है। एक तरफ से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो लगातार जो सुरक्षा बल है उनको सुरक्षा मेंटेन करने में, पीस मेंटेन करने में भी चैलेंजेस आ रहे हैं बाहर, हालांकि हाउस के अंदर अभी तक कोई सीरियस चैलेंज नहीं आया। चाहेंगे आपको इस बीच सदन के अंदर की तस्वीरें देखिए, ये सिविक सेंटर है, ये लाइव तस्वीरें जिसमें सीट पर ही बैठकर सही लेकिन हंगामा किया जा रहा है और जिस बात की आशंका जताई जा रही थी जिसको लेकर फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। अमित भी जानकारी दे रहे हैं कि बाहर भी एक बार हंगामे की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, अमित के पास लिए चलते हैं। अमित, बाहर जहां पर आप खड़े हैं वहां पर क्या तस्वीर है इस वक्त? जी देखिए, यहाँ पे पैरामिलिट्री एसएसबी के जवानों की तैनाती है और एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दोनों तरफ से लगातार नारेबाजी हो रही है। मैं थोड़ा करीब जाने की कोशिश करूंगा तस्वीर दिखाने की। देखिए, इस तरफ से आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो दूसरी तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। ये आप लोग नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? नारेबाजी क्यों? नारेबाजी है बेईमान, बेशरम लोग, अभी कह रहे मेयर हमारा बनेगा, जनता ने चुन के बैठे 135 बार से दिल्ली में दिया आम आदमी पार्टी। देखिए, इस तरफ से आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थक हैं। मोदी नारेबाजी क्यों चल रही है दोनों पार्टी के कार्यकर्ता? भारतीय जनता पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर दोनों के बनेंगे, नंबर नहीं है। मैं आपको इसकी एक विशेष बनेगा, डिप्टी मेयर जो बनेगा आम आदमी पार्टी का बनेगा, घबराए हुए इसलिए चिल्ला रहे हैं। यही 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 हालात है यहाँ पे कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और हाउस के अंदर इस वक्त जो प्रोसीडिंग है वो चल रही है। अब देखना यह है कि जो हालात बाहर है क्या वो अंदर भी हो जाएंगे। साथ ही हमें तो जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वहां पर फोर्स भी खड़ी हुई है, इस बीच भी हंगामा जारी है, अपने अपने आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है, लेकिन कहीं वो 6 तारीख वाला ही हाल ना हो जाए, वो रोकने के लिए क्या इंतजाम है? जी देखिये, 6 जनवरी को जो कुछ एमसीडी के हाउस के अंदर हुआ वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी का जो पॉलिटिकल वॉर है वो पीक पे जाता है। दिल्ली में तो क्या संभावनाएं होती हैं वो देखने को हमको 6 जनवरी को मिला था। वोट टेकिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाई, इसके साथ साथ जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो तो शुरू ही नहीं हो पाई। और इस वक्त अगर हाउस की आप बात करेंगे तो वहां पे बड़ी संख्या में जो मार्शल्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया ये इंश्योर कराने के लिए। तस्वीरें हाउस के अंदर से आ रही हैं, आप अगर देखेंगे तो फ्रंट पे मार्शल्स को डिप्लॉय किया गया और उसके ठीक पीछे जो ऑफिशियल हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो हैं और उसके साथ साथ जो इलेक्टेड काउंसलर्स हैं वो लोग इस वक्त शपथ ले रहे हैं। तो कुल मिला के कोशिश ये है कि किसी भी तरह का डिसरप्शन वोट टेकिंग प्रोसेस में ना हो पाए। यही वजह है कि सामने ही इस बार कुर्सियों को खाली करा के एक पूरी जो है लाइन कतार खड़ी की गई है मार्शल्स की, कि कोई भी काउंसलर या किसी भी पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हाउस के डेकोरम को ब्रेक करके जो वोट टेकिंग की प्रक्रिया है उसको ना रोक पाए।